दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुषाम् महापातकनाशकम्। अर्थात भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान श्री राम को मेरा प्रणाम है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से पूरे देश में या यूं कहें पूरी दुनिया में सतयुग का आरंभ हो गया है। जिधर देखो उधर सनातन की स्वर्णिम पताका लहरा रही है। हर एक देश में अब सनातन की महत्वता बढ़ती जा रही है और अब तो वह लोग भी भगवान श्री राम की महिमा गा रहे हैं जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो क्या वाकई अब सतयुग का प्रारंभ हो गया है भारत में? अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर से जुड़ी 4 खबरें बताने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में है। क्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में एक मुस्लिम देश भी शामिल होगा? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए आते हैं सबसे पहली खबर पर। रवि राम मंदिर के निमंत्रण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्रिकेट के दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सचिन और कोहली। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को निमंत्रण भेजा गया। तो अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दोनों खिलाड़ी किसी धार्मिक स्थल के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और ये तस्वीरें भारत में हिंदू विरोधियों को जरूर रास नहीं आएंगी। देखने वाला होगा यह दृश्य, जो कि 22 जनवरी 2024 को होना है। अब आते हैं दूसरी खबर पर और वह खबर जुड़ी है राम मंदिर के ध्वज से। ये वीडियो देखिए। ये बन रहा है राम मंदिर का ध्वज और इसका निर्माण कार्य गुजरात में चल रहा है। द्वारिकाधीश की भूमि पर अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ बनाने का कार्य अपने अंतिम स्तर में। यह अहमदाबाद में बन रहा है और यह 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण है, यानी इसमें 7 ध्वज लगेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण चल रहा है। मुख्य स्तंभ सहित इनका वजन 5500 किलोग्राम होगा। राम मंदिर के चारों ओर 800 मीटर लंबी रिंग रोड भी तैयार की गई है। देखिए इस पर राम मंदिर का ध्वज बनाने वाली कंपनी के अध्यक्ष ने क्या कहा। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका एक मेन ध्वजदंड है, वो पूरा पीतल का बनता है, उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। दोस्तों, ये जो स्तंभ बनाए जा रहे हैं इनकी लंबाई 44 फीट है और इन्हें नागर शैली में बनाया जा रहा है। इन्हें बनाने के लिए पीतल की धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है। शास्त्रों के हिसाब से इन्हें बनाया जा रहा है। मंदिर में प्रतिमा के बाद यही मुख्य केंद्र होने वाला है और इनकी कुल लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जहां प्राण प्रतिष्ठा में
11 देश आने वाले हैं, जिसमें एक मुस्लिम देश भी होने वाला है। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11 देश के अतिथियों को आमंत्रण भेजा गया है और उम्मीद है कि सभी देश सम्मिलित भी होंगे, जिसमें अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद, टोबैगो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिजी, रूस एवं नेपाल जैसे अनेक देश आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा बात हो रही है इंडोनेशिया की, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा राम भक्त देश भी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडोनेशिया के कलाकार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान श्री राम से जुड़ी कलाकृतियां भी दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत में रहने वाले उन कट्टरपंथियों को यह बात जरूर रास नहीं आएगी जो यह चाहते थे कि राम मंदिर ना बने। अब आते हैं चौथी खबर पर, और वह यह है कि राम मंदिर के लिए 8000 विशेष अतिथियों को न्योता दिया गया है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए 8000 गणमान्य अतिथियों को न्योता दिया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनमें विराट कोहली और सचिन की बात तो हम कर ही चुके हैं, इसके अलावा अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी भी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम काफी भव्य होने वाला है। 4000 साधु संत देश भर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। इसमें सभी देशों के राजदूत उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 1990 के राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले, अपना बलिदान देने वाले 50 कार्य सेवकों के परिवारों को भी बुलाया गया है। साथ ही कई पत्रकार, पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, वकील और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियां भी 22 जनवरी को अयोध्या में देखने को मिलेंगी। अब तो इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में। वह दिन पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और गौरवमयी दिन होगा, जो बताएगा हिंदुओं की सब्र की कहानी, जो बताएगा हिंदुओं के संघर्ष की कहानी, बताएगा उन सैकड़ों हजारों कार्य सेवकों के बलिदान की कहानी जिन्हें सत्ता ने अपने पैरों तले रौंद दिया। लेकिन इतने संघर्षों के बाद आज फिर से राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया है, और ना सिर्फ बनकर खड़ा हुआ है बल्कि इतना भव्य बना है कि पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आ रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।